तो मतलब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका जिक्र किया जा रहा है उसके बाद तो ये मामला और उलझता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस जिसे गैंगस्टर बताकर तलाश कर रही है वो कन्हैया यादव पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। कन्हैया यादव ने कहा है कि पुलिस ने मेरी बेटी की जान ली, मेरी बेटी अब वापस नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे न्याय मिलना चाहिए। ये कह रहा है कन्हैया यादव, मृतक लड़की का पिता। हिस्ट्री टीचर कन्हैया यादव उसी के घर पर, पुलिस पर आरोप कि पुलिस ने जाकर वहां बेटी से मारपीट की। घटना चंदौली जिले के सैयद राजा से है और आपको बताएं कि पुलिस और प्रशासन सवालों के घेरे में है। पहले पीड़ित परिवार के जो मुखिया हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम जानेंगे जी? कन्हैया यादव। कन्हैया जी, क्या हुआ था, हम घटना के बारे में जानना चाहते हैं। सर, हमारी दोनों लड़की घर पे थी, सैयद राजा पुलिस गई, लड़कियों को प्रताड़ित करके मारने लगे। उसमें बड़ी लड़की डेट कर गई, छोटी लड़की चोटिल है। इनके पास NBW था, पुलिस के पास NBW था या क्या मामला था, क्यों गई थी पुलिस? NBW नहीं था, ये बस प्रताड़ित करने के लिए गई थी पुलिस। इनके पास NBW कोई नहीं था। मारपीट के घर में, घर में वो दो लड़कियां थी, एक को मार दिए वहीं पर, स्पॉट पर खत्म हो गई। एक छोटा ही पड़ी पर, दो ही लड़कियां थी। एक लड़का जो है वो पकड़ कर रात भर रखे पढ़ाई किए, उसको भेज दिए 151 में चलान। वो जमानत करके घर लौटे तो पता लगा पुलिस लड़की को मार कर उसकी आत्महत्या कर दी। एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि इस पूरी घटना के बाद परिवार की क्या मांग है? परिवार की मांग यही है हम लोग की है कि हम लोग के साथ, हमारे बेटी के साथ इंसाफ मिले, बेटी को इंसाफ हम लोग चाह रहे हैं। जो प्रशासन हमारे साथ किया है वो हमको इंसाफ मिलना चाहिए। घर के आसपास कोई उस दौरान मौजूद था? घर के आसपास तो वहाँ मजदूर तो कोई था नहीं लग रहा। और आप देखिए, ये परिवार और गांव के लोग भी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे इस घटना के बाद अब आप लोगों की मांग क्या? देखिए, घटना में समस्या यह है कि ये लड़की जो मरी है इसको न्याय मिले। हम लोग की मांग यही है कि इसको न्याय मिले, वापस तो आएगी नहीं, इसको न्याय मिल जाए, हमारी यही मांग है। ABP News आपको रखे आगे।